नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों के विस्तार में जाएंगे उससे पहले एक नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की अहम बैठक, मोदी सरकार किसानों को दे सकती है बड़ा तोहफा और बढ़ेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। राहुल गांधी का अमेठी में दो दिवसीय दौरा, कांग्रेसियों में राहुल के आगमन को लेकर भारी उत्साह, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। फीफा विश्व कप में नॉकआउट मुकाबलों का चौथा और आखिरी दिन, स्वीडन ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से दी शिकस्त, इंग्लैंड ने कोलंबिया को 4-3 से हराया। और अब खबरें विस्तार से। कन्नौज जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में घंटों जमकर हंगामा काटा और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और गलत इंजेक्शन लगने को महिला की मौत का कारण बताया। और बताया जा रहा है कि अक्सर पूर्वा के पास छविलाल अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल का पहिया फिसल गया और जिसमें महिला को चोट लगने पर छविलाल अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और जहां एक इंजेक्शन लगने के कुछ मिनटों बाद ही महिला की मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा शांत करवाया है और मामले पर डॉक्टर ने बताया कि महिला के सिर में अंदरूनी चोट लगी थी और जिस कारण उसकी मौत हुई है। मैं तो पूरे पेशेंट्स देख रहा था, मेरे पास अचानक यह है कि पेशेंट एडमिट है इमरजेंसी में, वो सीरियस हो गया है। मैं गया वहाँ पे, मैंने चेक किया पेशेंट को, मैंने उसको पुपली रिफ्लेक्स, पहले उसका बीपी नहीं मिल रहा था डायस्टोल, और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से चेक किया तो उसका जो पुपल है आँखों में वो रिफ्लेक्स नहीं दे रहा था, तो मैं समझ गया कि इंटरनल उसकी पॉन्टाइन हेमरेज हो गई है, मतलब जब वो महिला गिरी है तो उसको बैकफॉल हुआ है। बैकफॉल मतलब अंदर से चोट लगी, अंदर से खून जम गया है। और आगे की खबरों की ओर बढ़े उससे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं कन्नौज से, जहां पर करंट लगने से किशोर और महिला की मौत हुई। बड़ी खबर कन्नौज से, करंट लगने से किशोर और महिला की मौत हो गई और दो अलग अलग इलाकों में हुआ ये पूरा हादसा। जशोदा थाना क्षेत्र में प्रयुक्त पोल से चिपक कर किशोर की मौत हो गई और वहीं सदर कोतवाली में लटकते तारों से जमीन में करंट आने से महिला की मौत हुई। बड़ी खबर कन्नौज से, करंट लगने से किशोर और महिला की मौत। बड़ी खबर कन्नौज से, करंट लगने से किशोर और महिला की मौत, दो अलग अलग इलाकों में हुआ ये पूरा हादसा। जशोदा थाना क्षेत्र में विद्युत पोल से चिपक कर हुई किशोर की मौत, तो वहीं सदर कोतवाली में लटकते तारों से जमीन में करंट आने से महिला की करंट लगने से मौत हो गई। बड़ी खबर कन्नौज से, करंट लगने से किशोर और महिला की मौत। विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं कन्नौज से। विवेक, पूछना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत हुई है कन्नौज में और बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली में तारों के लटकने की वजह से जमीन में करंट आया, तो क्या विद्युत विभाग के कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचे थे, तारों को नहीं हटाया गया था, आखिर क्या वजह रही, क्या लापरवाही सामने आई है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कन्नौज में गाँव में अक्सर देखा जाता है कि बिजली के तार बिल्कुल नीचे होते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल जमीन को छूते हुए, हाई टेंशन लाइन हो या एलटी लाइन हो, अक्सर देखा जाता है कि लाइन को नीचा रखा जाता है। तो वहीं महिला कपड़े धो रही थी, नल के पास कपड़े धो रही थी, वहीं करंट लगने से महिला की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक पोल से किशोर चपका, जिससे चपकने से उसकी मौत हो गई है। दो मौतें हुई हैं लाइट पे अलग अलग जगह पर। जी, बताया जा रहा है कि दो मौतें हुई, अभी आपने बताया, तो क्या दोनों ही शवों को भिजवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जांच चल रही है और कार्रवाई करने के फिराक में पुलिस बराबर है। एक महिला की तरफ से तहरीर भी दी गई है बिजली विभाग की तरफ से। क्या बिजली विभाग के कर्मचारी इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आए, क्या उन्होंने इस पूरी गलती की जिम्मेदारी ली है? क्योंकि कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से ये दोनों ही मौतें हुई हैं, आखिर क्या कुछ बिजली विभाग के लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, आपको बता दें बिजली विभाग की पूरी पूरी लापरवाही है। इसमें देखा जाता है कि लाइन मैन से लेकर JSTN तक सबकी लापरवाही रहती है, क्योंकि आपको बता दें कि पेड़ इतने हो गए हैं और जबकि लाइन पर पेड़ काटने का एक बजट आता है और ना ही पेड़ कटते हैं, ना ही लाइनों का दुरुस्तीकरण होता है, ना ही टाइट किया जाता है लाइन को, ना कुछ, ऐसे ही ढीले वीले तार बने रहते हैं जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी इस काम में नहीं आया है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं। करंट लगने से किशोर और महिला की मौत हुई, दो अलग अलग इलाकों में हुआ ये पूरा हादसा। और जशोदा थाना क्षेत्र में विद्युत पोल से चिपक कर किशोर की मौत, तो वहीं सदर कोतवाली में लटकते तारों से जमीन में करंट आने से महिला की मौत हो गई। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हैं, तो वहीं पुलिस उनके आगे बेबसी नजर आ रही है। बदमाश आम लोगों को तो अपना शिकार बनाते ही हैं और साथ ही खाकी पहनने वाले लोग भी उनसे बच नहीं पा रहे हैं। ताजा मामला सचेती थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहां एक दरोगा की उनके आवास पर चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई और इतना ही नहीं, दरोगा का शव 24 घंटे से ज्यादा देर तक कमरे में पड़ा रहा। मंगलवार की देर शाम जब CM योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से ड्यूटी पूरी कर मुंशी दरोगा से मिलने के लिए उनके घर गया तो देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और जिसके बाद उसने मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी है। और सूचना के बाद IG रेंज SSP अखिलेश कुमार मीणा और पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू करवा दी है। बता दें कि पच्चा लाल गौतम सचेती थाने में दरोगा थे, उनका ट्रांसफर इटावा हो चुका था लेकिन उन्होंने अभी तक वहां पर चार्ज नहीं लिया था और सचेती में ड्यूटी कर रहे थे। एक SCP हैं बच्चा लाल, उनका उनके जो कमरा है उसमें उनका आज सब मिला है। सब पे कुछ चाकुओं के निशान हैं और इसलिए सूचना शाम को प्राप्त हुई थी। इस पे हम लोग मौके पर आए, फॉरेंसिक टीम वगैरह ने जांच करी है और पंचायत में कार्रवाई करा के आगे की जो लीगल प्रोसेस है वो पूरा कराया जा रहा है। कानपुर में लुटेरे बेखौफ से हो गए हैं और एक के बाद एक लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं लगातार लूट की घटनाओं से पुलिस भी परेशान है और एक भी लूट का मामला खोलने में नाकाम सी साबित हो रही है। ताजा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के केशव नगर का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर महिला और उसकी बेटी को बंधक बना लिया और बंदूक के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की जानकारी लगने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर लिया है। अंदर आए, आने के बाद मुझसे बैटरी मांगी, मैंने कहा बैटरी है नहीं, तो दूसरा बोला आपके भैया कब तक आएंगे, मैंने कहा आधे घंटे बाद आएंगे, फिर उसका दूसरा हमने कहा आप बैठ जाइए यहीं पे, जो हेलमेट लगा रखता था, मैं बैठ जाइए आप, तो बैठने के बजाय मेरे पास खड़े होकर दूसरे ने काउंटर पे गन निकाल के रख दी और वो मेरे पास बुलेट की साइड आ गई खड़े होकर, इसमें से कैश निकालिए और इनका मोबाइल उठाते जा रहे थे। फिर इसके बाद मैंने कहा चाबी अभी तो मेरे पास है नहीं, बहुत देर तक परेशान करते रहे कि नहीं चाबी है, निकालिए खोलिए खोलिए, मैंने नहीं है आप तोड़ लीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी भी नहीं, चिल्लाऊँगी नहीं, आप उठाइए और इसको निकाल लीजिए, तो उसने फिर तोड़ा और उसने से निकाला। और इसी बीच बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता दें, जहां पर पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। बड़ी खबर हमीरपुर से, पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की और बेटी की हत्या की जानकारी पर पिता भी फांसी पर झूला और वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। बड़ी खबर हमीरपुर से, पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी और बेटी की हत्या की जानकारी मिलते ही पिता ने भी फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद हैं और जरिया थाना क्षेत्र के जमौड़ी गांव का पूरा मामला। बड़ी खबर हमीरपुर से, पति ने अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी और अपनी बेटी की हत्या की जानकारी मिलते ही पिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमीरपुर से फोन लाइन पर। अतीश पूछना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या की है, क्या मुकदमा दर्ज हुआ? हेलो
जी अतीश, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। अतीश, पूछना चाहूंगी, पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की है, एक निर्मम दर्दनाक ये पूरा हादसा है, ये पूरा घटनाक्रम है, तो क्या अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया? देखिए, हम आपको ये बताएं, ये हमीरपुर जिले के सरीला तहसील के जरिया थाने के जमौड़ी गांव का मामला है, जहां एक पति ने एक अपनी पत्नी की धारदार कुल्हाड़ी से हथियार से हत्या कर दी है। और हत्या की वजह से भी बताइए, आपसी झगड़ा बताया जा रहा है, और पुलिस मौके में पहुंच के जांच पड़ताल कर रही है। एक समय बड़ी बात निकल के ये आई है कि जब पत्नी की हत्या जाती है, इसके पिता को पता चलता है कि हमारी बेटी की कुल्हाड़ी के बाद हत्या, तो पिता भी आत्महत्या कर लेता है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं पिता भी की हानि हुई है। जी जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, जो पत्नी है उसके मायके पक्ष का, आखिर क्या वजह रही इस पूरी हत्या के पीछे, ऐसी कौन सी बात थी कि पति ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी ही पत्नी को मार डाला? देखिए, अगर जो निकल के सीधे सीधे ये बात आ रही है कि जो आपसी झगड़े बताया जा रहा है कि पति पत्नियों में आपसी झगड़ा रहता था, उसी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा रहता, आज इतना झगड़ा बढ़ गया कि पति ने पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जी जी जी, आदेश पूछना चाहूंगी कि मायके वालों में भी काफी इस समय उनका भी बुरा हाल होगा, क्योंकि बेटी की मौत और उसके बाद तुरंत ही बेटी के पिता ने भी अपनी जान दे दी, तो मायके पक्ष का क्या कुछ कहना है कि आखिर वो किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, कहीं ना कहीं मायके के पक्ष को भी बड़ा अफसोस है और गहरा सदमा लगा है, और इसी सदमे की वजह से पिता ने भी सुसाइड का कदम उठाया है, और जो मायके पक्ष के लड़की के भाई लोग हैं वो सीधे सीधे कार्रवाई चाहते हैं कि जो मेरे दामाद हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो आरोपी है वो आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है, मौके से फरार चल रहा है, कहीं ना कहीं वो कार्रवाई चाहते हैं कि सजा होना चाहिए। जी जी, शुक्रिया आतिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ आतिश कन्नौज से जुड़े, माफी जगह हमीरपुर से हमारे साथ आतिश थे, उन्होंने इस खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाया। और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आई है, पति ने अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी, और बेटी की हत्या की जानकारी मिलते ही पिता ने भी खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बड़ी खबर हमीरपुर से, वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। सर्वो कौन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वो कौन रखे सब कंट्रोल में। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष में मेट्रो हॉस्पिटल कानपुर कर रहा है मेडिकल कैंप का आयोजन। दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन मात्र 11,000 रुपए में। ये स्कीम सिर्फ एक माह जुलाई 2018 के लिए उपलब्ध है। लोग मुझे विलन कहते हैं, लेकिन पहचान बनाना एक दिन का काम नहीं, बरसों की मेहनत और लगन तब जाकर बनता है नाम। जैसे सर्वो कौन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वो कौन रखे सब कंट्रोल में। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ।
इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप सभी का स्वागत है। कन्नौज तिरवा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर पुलिस की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध एक शख्स आत्मदाह करने के लिए मिट्टी का तेल लेकर तहसील परिसर पहुंच गया और शख्स ने जैसे ही खुद पर मिट्टी का तेल डालना चाहा तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसको रोक लिया। आपको बता दें कि करीब 2 माह पूर्व पीड़ित के बेटे की हत्या हुई थी और जिसका मुकदमा पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं किया है, जिस कारण पीड़ित पिता ने रो रो कर SP DM से न्याय की गुहार लगाते हुए समाधान दिवस पर आत्मदाह करने का प्रयास किया। लड़का मेरा अब वो बुला लेके घरे मार के डाल दिया थाने इंद्रगढ़ का। फिर कुछ नहीं हुआ, ये तो साहब कोई कुछ नहीं होगा, दाम पैसे हैं कोई या कुछ अभी कुछ नहीं था। एक दिन लेके गए जेब पर साहब आए मट्टी तेल लेके यहाँ जलने के लिए मृत्यु करने के लिए। तो मट्टी तेल डाला नहीं तुमने अपने पर? डाला साहब, पकड़ लिया लोगों ने, हम तो यहीं मर जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आए दिन सरकारी अस्पतालों में संवेदनहीनता सामने आती है, लेकिन बांदा में जिला महिला अस्पताल तो मानो तानाशाही का पर्याय बन चुका है और जिले के महिला अस्पताल प्रशासन ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए अब मरीजों के पानी पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अस्पताल के बाहर लगे सरकारी हैंडपंप पर कब्जा करते हुए अस्पताल प्रशासन ने उसमें सबमर्सिबल लगवा कर पानी सुलभ शौचालय पहुंचा दिया है और सुलभ शौचालय प्रयोग करने पर मजबूर मरीजों और तीमारदारों से पैसे वसूले जा रहे हैं। वहीं इस बारे में जब जिला महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर उषा से पूछा गया तो उनका कहना है कि अस्पताल के बाहर हैंडपंप में मरीज नहाते धोते हैं और जिससे गंदगी होती है और इसीलिए हैंडपंप मरीजों के लिए रोक दिया गया है। वहीं जब सुलभ शौचालय में मरीजों से पैसे वसूलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस अवैध वसूली को ही जायज ठहरा दिया। सरकारी नल पे कब्जा किए बैठे हैं और उसमें समरसेबल लगा दिए हैं, हम प्यासे हैं, ये लोग कब्जे में कर लिए, अपने ड्रम में सेटिंग कर दिए, शौचालय से कनेक्ट करवा लिए, वहाँ पे पैसा ले रहे हैं। मामला ये है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत क्राइसिस थी और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मरीज गंदगी फैलाते थे जिससे कि हमारे जो MDA वो जो मेन गेट पर हमारे जो इंस्पेक्शन वाले NRHM की टीम आती है वो हमेशा ये कहती थी कि यहाँ पे कपड़े नहीं टांगे जाएं, यहाँ ये गंदगी यहाँ से हटा दी जाए क्योंकि इस कैंपस में ऑलरेडी सुलभ शौचालय बना हुआ है, तो सुलभ शौचालय में मरीज वहाँ जाएगा जब आप यहाँ से हटा देंगे। तो मैंने इसको कन्वर्ट करा दिया है समर में। ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है हैंडपम्प में सबमर्सिबल लगाने का, यदि आप उसको दिखवाते हैं कोई उसकी जांच कराते हैं नियमानुसार कार्रवाई। फरुखाबाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत तब साफ हुई जब केवल दवा न मिलने से मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और मामला ग्राम झसी निवासी रावेंद्र सिंह पाल का है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले रावेंद्र खेत में पानी लगाने गए थे और अचानक उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद वो लोहिया अस्पताल CHC कमालगंज गए लेकिन उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं मिला, जबकि नियम है कि कुत्ते के काटने के तुरंत बाद ही एंटी रेबीज लग जाए। बीते दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। ने एक बार कुत्ते ने आवारा कुत्ते ने उनको खा लिया था, इसलिए ये फिर बिरवा बिरवा मिल लिया, इन्हें लोहिया अस्पताल में भी गए
वहाँ इनके इलाज के लिए गए थे तो वहाँ डॉक्टर ने किए इंजेक्शन तो मेरे पास है नहीं। फिर ये कमालगंज भी गए, यहाँ भी नहीं मिला। फिर ये आज 2-3 दिन हो गए तब से भौंकने लगे कुत्तों की तरह। ये आवारा कुत्ते गांव में बहुत है मेरे। फीफा विश्व कप 2018 में प्री क्वार्टर फाइनल के आखिरी दिन खेले गए पहले मैच में स्वीडन ने बेहद रोमांचक और कड़े मुकाबले में स्विट्जरलैंड को 0-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्वीडन ने 24 साल बाद क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और पहले हाफ में दोनों ही टीमें 0-0 से बराबरी पर थी और इसके बाद दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने तेजी दिखाई और कामयाबी स्वीडन को मिली। दिन का दूसरा मैच इंग्लैंड और कोलंबिया के बीच खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मैच का फैसला निर्धारित समय में नहीं हो सका और उस वक्त दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं। अंत में मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया और अंतिम 16 में से 8 टीमें फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। क्वार्टर फाइनल का पहला मैच उरुग्वे और फ्रांस के बीच 6 जुलाई को खेला जाएगा। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया ने 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इस मैच में कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के बाद बैटिंग में KL राहुल के तूफानी शतक की बदौलत टीम इंडिया ने यह जीत दर्ज की है और टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने आई इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा था। इंग्लिश टीम ने बैटिंग की अच्छी शुरुआत करते हुए काफी हद तक भारतीय गेंदबाजों पर प्रेशर बना लिया पर चाइना मैन बॉलर कुलदीप यादव के सामने इंग्लिश टीम 4 उखाने चित हो गई और कुलदीप ने 4 ओवर में मात्र 24 रन देकर 5 विकेट झटके और जवाब में भारतीय टीम ने 10 बॉल बाकी रहते ही 2 विकेट पर 163 रन बनाए और जीत हासिल कर ली। सीनियर टीम के साथ पहली बार इंग्लैंड दौरे पर आए राहुल 101 रन बनाकर नाबाद रहे। ये उनका दूसरा T20 इंटरनेशनल शतक है। RCB चित्रकूट से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें व्यापारियों से लूटपाट का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर चित्रकूट से, मामले में सुस्ती बरतने वाले उपनिरीक्षक पर गाज गिरी है। व्यापारियों से लूटपाट का पूरा मामला, मामले में सुस्ती बरतने वाले उपनिरीक्षक पर गिरी गाज और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने किया SI को सस्पेंड। बड़ी खबर चित्रकूट से, उपनिरीक्षक पर गिरी गाज और करवी कोतवाली में SI है छेदीलाल। बीते दिनों शंकर बाजार में हुई थी लूटपाट और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने SI को सस्पेंड कर दिया है। चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता दें, व्यापारियों से लूटपाट का पूरा मामला, मामले में सुस्ती बरतने वाले उपनिरीक्षक पर गाज गिरी है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने SI को सस्पेंड किया। करवी कोतवाली में SI है छेदीलाल और बीते दिनों शंकर बाजार में लूटपाट हुई थी जिसमें लापरवाही बरतने पर उपनिरीक्षक पर गाज गिरी है। रतन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं चित्रकूट से। रतन, पूछना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है और SI को सस्पेंड किया गया है। जी, आपको बता दें कि जो है एक सप्ताह पूर्व जो है मुख्यालय से सटे जो है शंकर बाजार इलाके में जो है एक व्यापारी के साथ लूटपाट हुई थी। इस मामले में जो है कोतवाली पुलिस में तैनात SI द्वारा जो है लगातार जो है लापरवाही बरती जा रही थी योजना में जो है और ना ही कोई कार्रवाई की गई थी। इससे जो है नाराज होकर जो है पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने आज इसको निलंबित कर दिया। जी रतन, पूछना चाहूंगी कि बताया जा रहा है कि SI को भी निलंबित किया गया है और क्या आखिर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद ये कार्रवाई की गई, तो क्या वजह रही कि आखिर पुलिस की कार्रवाई में ये जो लेट लतीफी देखी जाती है ये क्यों होता है? ये आपको बता दें कि जो है कोतवाली पुलिस में काफी जो है योजनाओं को योजनाओं में जो है काफी चिंता बढ़ती जाती है और पुलिस जो है अधिकारियों द्वारा लगातार जो है दबाव हर महीने क्राइम मीटिंग में समीक्षा करने के बावजूद जो है देने के बावजूद जो है इनके द्वारा जो है
मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरती जाती है, उनका जो है पुलिस अधीक्षक ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की। जी बहुत बहुत शुक्रिया रतन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। अधिक अपडेट के लिए बड़ी खबर, चित्रकूट से व्यापारियों से लूटपाट का पूरा मामला और मामले में सुस्ती बरतने वाले उप निरीक्षक पर गाज गिरी है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने एसआई को सस्पेंड कर दिया है। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी गरिमा को इजाजत दीजिए, पर आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज, आमजन की आवाज। नमस्कार। We'll be right back.